अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज व अमान में रखे, और अल्लाह जिसकी जो जो दुआएं हैं अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबकी हाजतों को कबूल फरमाए, सब पर नज़र करम फरमाए। आज जो हमारी रेसिपी है वो है कीमे की रेसिपी। बहुत स्पेशल कीमा बनेगा, तो आए मैं आज आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम किस तरह का कीमा बनाते हैं। और बहुत अच्छा कीमा बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी होता है और बहुत यम्मी होता है ना। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट जैसा कीमा बनाना सिखाएंगे। एक हमने कीमा ले लिया, जी कीमा लिया है मैंने, ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है और कलौंजी, और इसके बाद स्पाइस में मिर्ची, एक अदद लौंग, नमक, और फिर कौरमा मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और धनिया पुदीना, लीमू पर गार्निशिंग के लिए, ये भी गार्निशिंग के लिए, और इसके अलावा ये धनिया, ये सब धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर भुना हुआ कुटा हुआ, और हल्दी, और टमाटर को बारीक चॉप करेंगे और प्याज को भी चॉप करेंगे। आए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत यम्मी एंड टेस्टी यम्मी होगी इंशाल्लाह अज़्जल। और ये है कि इससे बहुत सारी गज़ाइत भी होती है, ताकत मिलती है हमें। कीमे के भी बहुत सारे फ़वाद होते हैं ना गोश्त के, और वीक में 2 टाइम तो गोश्त खाना ही चाहिए ना। तो हमने एक जैसे बर्तन ले लिया, उसे हमने गर्म किया ऑयल को, उसमें प्याज फ्राई करने रख दिए। अल्लाह ताला सबको रिस्क दे और अल्लाह ताला सबके हालात को बेहतर करें, आमीन। जी हमारी प्याज फ्राई हो रही है, जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए, सुनहरी हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन बादामी कलर की होनी चाहिए ना, बादामी कलर की फ्राई, और बहुत अच्छे ये तेल के अंदर यमी यमी आगे पीछे। फिर इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और एंड हमने स्पाइस का भी पेस्ट बनाकर डाला है, ठीक है। जब ये देखें गोल्डन बादामी कलर की हो गई, फिर हमने इसके अंदर टमाटर रेड रेड लाल लाल टमाटर ऐड कर दिए हैं, बहुत यम्मी होते हैं टमाटर को। वैसे ऐसे भी खाना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और टमाटर को सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टमाटर को हम अच्छी तरह भूनेंगे इसमें, और इसको हम अच्छी तरह भून कर इतना भुनेंगे कि ये सब टमाटर और प्याज नज़र ना आए, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जैसे कौरमा हम यमी से खाते हैं उस तरह भूनें। और जब ऊपर इसका तरी यानी तेल नज़र आने लग जाए, देखें तेल नज़र आने लगा इस कंडीशन पर, इस सूरत में हम इंशाल्लाह इस पर हम अपने सारे स्पाइस ऐड कर देंगे, मसाले। मसाले में आप जो जो यूज़ करना चाहें एज अ चॉइस है, मगर ये है किसी को स्पाइस कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा, तो हम तो बस नॉर्मल ही स्पाइस डालते हैं। जैसे हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर, थोड़ा भून कर पीस के भी हमने ऐड किया है, मैं आपको बताती हूँ। और इसमें कौरमा मसाला हमने ऐड कर दिया, शान का ले लें एज अ चॉइस, या घर का बना हुआ कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये जैसे सारे गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, ये लौंग एक अदद, और जो भी आपके पास स्पाइस में हो, दालचीनी, बादियान के फूल, और ये धनिया पुदीना, ये सब हमने भून कर रखा था, और इसे इतनी प्यारी सी खुशबू आती है इसमें, अमेजिंग। और जब अभी मसाला भुना जाएगा ना, यम्मी एंड टेस्टी। हल्दी पाउडर डाल दें 1 स्पून, फिर इन सबको एक साथ भून देंगे, इतना भुनेंगे इसके सब एक एक सा हो जाए। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घर के दीवारों से, और सब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार और भाई बहन तारीफ कर रहे थे, कितना अच्छा कीमा बनाया, वाह अमेजिंग। फिर हमने इसको कीमे को फ्राई, चाहे तो आप पैकेट वाला भी कीमा यूज़ करते हैं, या फिर हम तो शॉप पर जाकर अच्छा सा कीमा फ्रेश बोटी वाला चॉप करवाते हैं, फिर इसके अंदर यूज़ करते हैं, ताकि बिल्कुल इसके अंदर चिड़बी भी ना हो, फैट ना होना चाहिए। फैट अगर हो भी तो आप इसे निकाल दीजिए ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब कीमा अच्छा सा भून चुका और गल चुका, फिर हमने इसे देखो ऊपर तरी भी आ गई है, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और बहुत यमी है। इसके अंदर चाहें तो हम लीमू भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट और मज़ेदार, इसको हम चाहें तो हम इसके साथ, वाओ अमेजिंग टेस्टी फंटास्टिक, बहुत यमी था। हमने इसको
रोटी के साथ भी खाया और फिर हमने इसको सालन राइस के साथ भी, चाइनीज़ राइस के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं, और जिस तरह हम यूज़ कर नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, रात को डिनर में भी खा सकते हैं, और बहुत हेल्थी होता है, एनर्जी भी होती है बहुत ज़्यादा ही, और गोश्त भी अपने रूटीन में रखना चाहिए, बट ये है इसमें चर्बी ना हो, बस इसका ख्याल रखें, ठीक है ना। बहुत यम्मी था और बहुत टेस्टी था, सब तारीफ़ कर रहे थे। और अगर हम चाहें तो अगर कोयला स्मॉग आपको पसंद है तो आप इसके अंदर कोयले का भी धुआं डाल सकते हैं। कोयला यानी गर्म किया हमने, और फिर इसके बाद हम इसको रोटी के टुकड़े पर रख कर और इसके अंदर स्मोक डाल दें तो बहुत ही यम्मी हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, और ज़्यादा इसके अंदर जायको अच्छा हो जाता है। और ऊपर देखिए कितनी यम्मी यम्मी सी तरी आ रही है, और बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी किया था, बहुत यम्मी था और टेस्टी था। आप सब भी ज़रूर बनाइएगा, इसको टेस्ट करिएगा, इसको इसी तरह बनाइएगा जिस तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ही बनेगा, और बहुत सब आपके रिश्तेदार और सब बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। अज़्ज़ा वजल फिर हमारे